हेलो दोस्तों, तो हम लोग आज फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी जो UP SSSC युवा कल्याण अधिकारी एवं व्यायाम प्रशिक्षक की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसके पेपर के लिए, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लाइक करते हैं तभी हम लोग को मोटिवेशन मिलती है। बहुत लोग वीडियो देखते हैं, उसके लिए थैंक यू, पर आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करिए। तो हम लोग प्रैक्टिस 10 तक कर चुके हैं, जिसमें जो 10 नंबर हम टेस्ट किए थे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड पूरा क्वेश्चन था। आज भी मिक्स्ड क्वेश्चन नहीं है सारे पोर्शन के, आज का भी जो पोर्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, संविधान बेस्ड है। संविधान के 30 क्वेश्चन आज भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो UP SSSC का जो पैटर्न है तो कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे। तो ये हम जो टेस्ट कराएंगे, कुछ टेस्ट जो वो पूरे बेस्ड होंगे कॉन्स्टिट्यूशन पे, फिर उसके बाद हम अपने जो टेस्ट है उसको मिक्स करते रहेंगे। जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी हम आपको टेस्ट में करवाएंगे। और ये सारे जो टेस्ट होंगे क्वेश्चन, वो या तो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या आने की उनकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो वही क्वेश्चन आपको हम लोग करवाएंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट टेस्ट 11 करने वाले हैं। इसमें हम क्वेश्चन जो है 331 से 360 क्वेश्चन नंबर करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एकेडमी एनीवेयर में। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हम लोग को मोटिवेशन मिलती है और हम लोग आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज की सीरीज। 331 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को एक राज्य से अधिक का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन है कि अगर एक व्यक्ति है उसको एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है कि नहीं। तो किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, इसका करेक्ट आंसर ए है, हाँ किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, जो सर्वोच्च यहाँ पूछ रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति होती है, रिटायरमेंट, वो उनकी एज होती है वो कितनी होती है। तो वो होती है 65 ईयर्स। लेकिन अगर उच्च न्यायालय यहाँ पे होता तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है उसकी सेवानिवृत्ति जो होती है वो होती है 62 साल, 62 ईयर्स। लेकिन यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में पूछा गया है सेवानिवृत्ति, तो उसकी होती है 65 वर्ष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो ये तो राष्ट्रपति के द्वारा द्वारा दिलाई जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो शपथ है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, इसका करेक्ट आंसर ए है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार नहीं है। क्वेश्चन है कि मूल अधिकार नहीं है इनमें से, मानव के दुर्व्यवहार व बलात्श्रम का प्रतिरोध ये मूल अधिकार है, संपत्ति का अधिकार ये नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, लेकिन समता का अधिकार, प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब हैं। ए सी डी तीनों हैं मूल अधिकार, लेकिन संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि जो संविधान के स्रोत होते हैं, हमारा जो संविधान बना है वो कहाँ से बना है, क्या क्या चीज़ें उसमें हैं, ये सब पे भी मैं एक वीडियो जल्दी ही आपको बनाने वाला हूँ कि जो संविधान का स्रोत है वो कहाँ कहाँ से लिया गया है। तो इसमें जो आज का 335 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो वो ली गई है, संसदीय प्रणाली जो है हमारे संविधान की वो इंग्लैंड से ली गई है। तो करेक्ट आंसर ए है इसका। वीडियो को आप लोग पॉज करके आप खुद को भी चेक कर सकते हैं और अपना जो मार्क्स आया वो कमेंट में लिख के बिल्कुल बता सकते हैं। फिर उसके बाद 336 नंबर है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो लोकसभा में अधिकतर जो है 552 हो सकते हैं, 552 सदस्य हो सकते हैं, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसका। फिर राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, तो करेक्ट आंसर इसका बी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 338 नंबर, 338 नंबर क्वेश्चन है आज का, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के जो जीवी मावलंकर थे, तो यहाँ पे उनका फुल नेम है गणेश वासुदेव मावलंकर। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर, यहाँ पे जीवी जीवी मावलंकर भी दे सकता है, तो करेक्ट आंसर इसका बी है, गणेश वासुदेव मावलंकर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, संघ राज क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। तो
क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या संघ राज का अपना उच्च न्यायालय है तो वो किसका है, वो है दिल्ली का। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। 340 नंबर क्वेश्चन है, वे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा विद्यमान है। क्वेश्चन ध्यान देखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है जहाँ पे विधानसभा है, तो वो है दिल्ली एवं पुदुचेरी। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दिल्ली एवं पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो लोकसभा का जो नेतृत्व करता है वो प्रधानमंत्री करता है और राज्यसभा की उपराष्ट्रपति उसका अध्यक्ष होता है, मैंने पहले बताया। तो इसका करेक्ट आंसर 341 का सी हो जाएगा, लोकसभा का नेतृत्व करेगा प्रधानमंत्री। फिर उसके बाद 342 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? तो कैबिनेट सचिवालय जो है, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है उसके अधीन कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, 343 का डी। फिर इसके बाद 344 नंबर क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सी लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो करेक्ट आंसर इसका सी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ देता हूँ, किसने भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो वो किया था उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 335 का बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। 345 सॉरी, 345 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो है बी, जवाहरलाल नेहरू। 346 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है, तो न्याय का है, और भ्रातृत्व का है, वयस्क मताधिकार है, स्थिति की समानता, ये सब ऑप्शन हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर वयस्क मताधिकार नहीं किया गया पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह है बी, भ्रातृत्व का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसकी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो अधिकतम जो निर्धारित की गई है वो है 345 से 250। इसका करेक्ट आंसर है, इसमें जो दिया है ऑप्शन 500, 525 दिया है, ये बिल्कुल नहीं है। 525 से 270 नहीं है, 537 से 275 बिल्कुल नहीं है। तो अधिकतम जो क्वेश्चन पूछ रहा है, लोकसभा तथा राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उसके आप लोग ऑप्शन भी जरूर देखा करिए अच्छे से, ध्यान से क्या क्या ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, 545 से 250 तक। फिर 348 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के चुनाव किस आधार पर होते हैं? तो ऑप्शन है एकल हस्तांतरणी आधार पर, सीमिति मताधिकार पर, सीमिति या अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर, या वयस्क मताधिकार पर। तो ये ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, जो वयस्क मताधिकार होता है उसके आधार पर होता है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 349, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है? तो वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। 349 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 350, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक क्या है, कौन सा अधिकार है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 350 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समान कार्य समान वेतन ये काफ़ी न्यूज में चलता है, चल रहा था अभी पहले, अभी न्यूज में था। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ मैं, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन जो है भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, वो क्या है? वो मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, या मौलिक कर्तव्य है, या आर्थिक अधिकार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ये अंग है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 350 का बी। फिर उसके बाद 351 क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारतीय संसद बनती है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और कई बार आ चुका है, आप लोगों को पता भी होगा। 351 का जो है क्वेश्चन है, भारतीय संसद बनती है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा ये जो होती है भारतीय संसद बनती है। तो इसमें ऑप्शन डी है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संसद बनती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 352 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। तो वो कौन होता है? वो राज्यसभा अध्यक्ष होता है, राज्यसभा, सॉरी राज्यसभा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। थोड़ा घुमा के क्वेश्चन है, टिपिकल है, तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखा करिए। इसका करेक्ट आंसर सी है, 350, राज्यसभा। नेक्स्ट है 353 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन सा है? सर्वसम्मति से जो राष्ट्रपति चुने गए थे उसका एकमात्र उदाहरण जो है वो नीलम संजीव रेड्डी। इसका करेक्ट आंसर डी है। फिर उसके बाद वोट देने का अधिकार है, कौन सा अधिकार है? तो वोट देने का ऑप्शन देख लेते हैं, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इसका ऑप्शन जरूर आप लोग देखा करिए अच्छे से। तो वोट देने का जो अधिकार, एक है राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, कानूनी अधिकार, आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार, कानूनी अधिकार कर तो ये बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आते हुए क्वेश्चन में गलतियां होती हैं। तो ये इसका आंसर जो होगा वो राजनीतिक अधिकार होगा, करेक्ट आंसर इसका ए होगा। फिर 355 नंबर क्वेश्चन की, भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत संबंध है। तो नीति निर्देशक जो संविधान है उसका संबंध जो है वो है 36 से 51 तक, ये आर्टिकल 36 से 51 में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। फिर उसके बाद 356 नंबर क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो अभी मैं जो, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा कि जो उसके आर्टिकल हैं उसकी वीडियो बनाने वाला हूं मैं, और जो स्रोत हैं संविधान के उससे क्वेश्चन तो जरूर पूछ जाते हैं, तो उस पर भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको भी वीडियो एक जरूर मिलने वाला है जल्दी ही। तो 356 नंबर क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये तो राज्य राज्य का राज्यपाल करता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इस पे अगर क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करता है, इसका करेक्ट आंसर बी है। लेकिन और एक क्वेश्चन पूछता है और घुमा के कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उसको पद से कौन हटा सकता है? तो राज्यपाल तो नियुक्ति करता है लेकिन उसको पद से राज्यपाल हटा नहीं सकता, उसको राष्ट्रपति हटा सकता है। तो करेक्ट इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर 357 नंबर क्वेश्चन है, दो या अधिक राज्यों के लिए गठित लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वो तो राष्ट्रपति ही करता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक दलों में कौन मान्यता देता है? भारत के राजनीतिक दल हैं उसकी मान्यता कौन देता है? तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो निर्वाचन आयोग होता है उसको वही मान्यता देता है। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना है तो वो अपना त्यागपत्र किसको भेजेगा? प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या उपराष्ट्रपति को, या लोकसभा अध्यक्ष को? तो जो ये जो भेजेगा राष्ट्रपति, इसमें ऑप्शन भी देख लीजिएगा, मैंने पहले बताया कि इसका जो ऑप्शन है उसको जरूर देखा करिए। तो वो भेजेगा उपराष्ट्रपति को, तो यहाँ मान लीजिए उपराष्ट्रपति दिया है, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति की जगह कोई और दिया होता तो उसके बाद उपराष्ट्रपति की बात कौन करता है? वो करता है भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको। तो इसका करेक्ट आंसर इसका 359 का सी हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये 360 नंबर बी आंसर करेक्ट है। दोस्तों हम लोगों ने अभी अपने टेस्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जल्दी ही जल्दी 1000 जो क्वेश्चन है वो पूरे कराए जाएँ। और आप लोग जो अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अभी तक आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है हम लोगों को, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये रेड बटन सब्सक्राइब वाला दबाइए, और ये जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस करिए, क्योंकि जब हम वीडियो डालते हैं तो बेल आइकन प्रेस आप अगर किए हैं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाती है। और एक चीज़ और कि अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को देखते हैं, आपके मन में कोई भी सजेशन या क्वेरी या कुछ सजेशन हमको देना चाहते हैं वीडियो बनाने के लिए, या आप कुछ पूछना चाहते हैं, या कोई आपका कोई सा भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ हमारे इस कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सो देखने के लिए थैंक यू सो मच।